प्रदेश भ्रमण के दौरान शहडोल से उमरिया पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश संगठन प्रभारी दीपक बावरिया ने गुरुवार को कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान अनुशासन में रहकर चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने पार्टी के ढांचागत सुधार की जानकारी दी। बावरिया ने कहा कि कांग्रेस को निचले स्तर पर मजबूत करने के साथ उसे आम जनता को जोड़ने के लिए जिले में ब्लॉकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उनका लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनावों में जिले की दोनों विधानसभाओं में पार्टी की जीत सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश सचिव विमलेंद्र तिवारी, सचिन यादव, मिठाई लाल चौरसिया सहित अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चित्रकूट विधानसभा के संबंध में उन्होंने कहा कि वहां कांग्रेस ने एक युवा और बेहतर छवि के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। व्यापम मामले में सीबीआई द्वारा शिवराज को क्लीन चिट दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सीबीआई और आईडी भाजपा का तोता बनकर रह गई है। बैठक में पूर्व विधायक अजय सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश शर्मा, मध्य प्रदेश कांग्रेस महिला सचिव ललिता प्रधान, अध्यक्ष सुरेश सिंह ठाकुर, सचदेव अमृतलाल यादव, त्रिभुवन प्रताप सिंह, प्रदेश प्रतिनिधि ओपी द्विवेदी, राहुल देव सिंह मौजूद हुए। किसान से लेके श्रमिक से लेके स्टूडेंट से लेके हर लोग इतना त्रस्त है कि उन लोगों को फिर से कांग्रेस की ओर देखने लगे हैं। मध्य प्रदेश की जनता एहसास हो गया है इनमें से कोई भी बात निकाल सकता है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।